हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईवी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ऑर्थोग्राफिक्स का, जो जो कि आपको सामने जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसकी मैं ड्राइंग करूँगा, जिसका मैं फ्रंट व्यू बनाऊंगा, टॉप व्यू बनाऊंगा और साइड व्यू बनाऊंगा। इससे पहले मैं और भी ऑर्थोग्राफिक्स और जो सेक्शनिंग की ड्राइंग है उसको मैं डाल चुका हूँ, उसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है एक ऑर्थोग्राफिक्स के नाम से और सेक्शनिंग के नाम से, वो दोनों में से आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक कंप्लीट मशीन ड्राइंग या मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाके हमारे अभी तक के जितने वीडियो मैंने जो मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के डाले हुए हैं उसमें जाके आप देख सकते हैं, है ना। जैसा कि आपके ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसके बारे में आपको मैं समझाऊं, इससे पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो आपको सामने, तो इसका सबसे पहले जो एरो दिख रहा है आप उसको देखें, जो एरो दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से हम इसको फ्रंट व्यू देखेंगे। मतलब जो इस साइड का पोर्सन है ये फ्रंट व्यू होगा, ऊपर से यहाँ से देखने पर टॉप व्यू होगा, इधर से देखने पर साइड व्यू होगा। तो अब जैसे दिख रहा है हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, सबसे पहले ये लेंथ देखेंगे। इसके सबसे पहले जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो हाइट दिख रही है कितनी, यहाँ से यहाँ तक 45 है और यहाँ से नीचे 28, जो 28 दिख रहा है उसको समझने की जरूरत है। जो आपको ये पट्टी आई हुई है जो दिख रहा है यहाँ पे, इस जो बीच का है, क्योंकि हम यहाँ से देख रहा है ये जो पट्टी क्लियर दिख रही है वो नीचे लगी हुई है, यहाँ से एक एक एंगल में है, मतलब तिरछी रखी हुई है ड्रॉइंग, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ से जो ऊपर से देख रहा है यहाँ से, तो इसकी जो पट्टी की जो हाइट है कितनी है 12 है, जबकि इधर से देखा जाए तो नीचे कितनी है 28, मतलब इस तरह इंक्लाइंड रखी हुई है। इस डायग्राम में इंक्लाइंड पट्टी लगी हुई है जो कि यहाँ से 28 पे लगी है, ऊपर की साइड यहाँ से 12 पे लगी हुई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक 45 हाइट है, ये दो सर्किल हैं इनके, इसका डायमीटर 12 है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो 56 है, और जबकि ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 36 है, और इसकी टोटल डिस्टेंस 100 है, वो अपन टॉप व्यू से देखेंगे। अपन फ्रंट व्यू से जो हाइट दिख रही है वो ये देखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक, जबकि यहाँ से इस पॉइंट से और यहाँ तक की 36 दी हुई है, इस पट्टी की चौड़ाई देखें तो 6 दी है, जबकि यहाँ से ये देखेंगे तो ये जो पट्टी है ऊपर से, तो यहाँ से कितना ये सेंटर जो है जो इसका 18 है, ठीक है। तो इस तरह अपन डायमेंशन देख के अपन इसको ड्रॉ करेंगे। उसके लिए अपन क्या करते हैं, फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो आपको समझाते हुए मैं ड्रॉ करता हूँ, आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तीनों इसी ड्रॉइंग में शामिल है। तो फ्रंट व्यू स्टार्टिंग सबसे पहले इजी देखते हैं अपन, इजी कहाँ से होगा ड्राइंग करना। सबसे पहले यहाँ से देख रहे हैं ये पट्टी दिख रही है, इसकी चौड़ाई कितनी 6 है, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट कितनी है 45, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 28, ठीक है। तो अब मैं, अब ये तिरछी है इस तरह की, तो अब जो जबकि इधर से देखेंगे तो आपको एक क्लियर पट्टी दिखेगी 28 लेंथ की। तो जैसा मैंने देख रहा है आपको, सबसे पहले स्टार्टिंग सबसे इजी देख रहा है, इसकी जो विड्थ कितनी 6, और यहाँ से 45 पे पॉइंट लगाया, फिर 28 पे लगाया, और ये जो रेक्टेंगुलर पूरा यहाँ से नीचे तक का एक ड्रॉ कर दिया, है ना। 6 चौड़ाई ये जो यहाँ पर दी हो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 45 है, और यहाँ से नीचे तक की कितनी 28 है। तो इस तरह हमने ये पट्टी ड्रॉ कर दी। हम नेक्स्ट पार्ट ड्रॉ करते हैं। अब क्या होता है, अब जब यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, तो ये सर्किल है वो तो क्लियर तो दिखेंगे नहीं, तो ये हिडन पोर्सन, हिडन पोर्सन होंगे सर्किल, तो इसका क्या करेंगे अपन, डॉट डॉट लाइन से इसको ड्रॉ कर देंगे। तो अब जिसका सेंटर देखते, तो ऊपर से इस पोर्सन से इसका जो सेंटर है वो कितना 18, जो कि यहाँ पर दिया है, तो यहाँ से 18 पे एक सेंटर लाइन डाली मैंने, सेंटर लाइन डाली जो कि 18 यहाँ पर डिस्टेंस भी दिखाई है, और जो ये दो डॉट डॉट लाइन डाली, क्योंकि इसका जो डायमीटर कितना है इसका 12 है, 12 है, तो इस सेंट्रल लाइन से जो 18 पे डाली है उससे 6 ऊपर 6 नीचे दो डॉटेड लाइन दी, जिसका टोटल डायमीटर यहाँ पर हमने दिखा दिया 12 है, सेंटर से 6 ऊपर 6 नीचे, इतना पोर्शन ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम ये वाली पट्टी इसको ड्रॉ करते हैं। अब इसकी यहाँ से देखेंगे, अगर ये ऊपर वाला पोर्सन है, यहाँ से इस पोर्सन तक की डिस्टेंस कितनी 6 है, मतलब इस पोर्सन से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ऊपर वाला लाइन ए वाली जो दिख रही है यहाँ से, ए वाली 36 है, तो यहाँ से कितने का पॉइंट लगाया 36 से, मतलब जी यहाँ पर दिख रहा है ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक की 36, मतलब ऊपर वाली लाइन से यहाँ तक की पॉइंट की डिस्टेंस 36 पे हमने लाइन खींच दी। कितनी इधर खींची, यहाँ से यहाँ तक कितना खींचा 36, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 36, तो ये 36 खींच दी। अब इसकी इन दोनों की चौड़ाई है वो कितनी, यहाँ पर देखो 6 दी हुई है यहाँ पर 6, तो यहाँ से यहाँ पॉइंट पे लगा के एक 6 की और लाइन खींच दी, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 6, जो कि यहाँ पर ये गलत एरो लग गया है, ये इस लाइन से एरो होने चाहिए था यहाँ से यहाँ तक का 6, और जो इसके और इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए था 3 का, है ना, क्योंकि ये टोटल कितना है 45 है। तो यहाँ याद रखें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 36 हो गई, फिर 6 का अपन ने गैप लेके ए वाई लाइन खींच दी, कितनी चौड़ाई में 36 में, ठीक है, और बीच में ये गैप कितना बचेगा 3 का। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो लाइन बना रहे थे अपन इसमें, तो ये जो पट्टी है फ्रंट व्यू दिख रहा है ये भी क्लियर आई, ये क्लियर आएगी, तो इसकी देख लें यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिख रही है इस पॉइंट तक की, मतलब इस लाइन तक की 36 है, उसके बाद इसकी चौड़ाई कितनी दी 9 दी है, और इसकी जो इस पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ कितनी दी है 12 दी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो इस पॉइंट तक की 36 ऑलरेडी हो गई, तो इधर इसकी चौड़ाई कितनी ले लेंगे 9,
तो मतलब इस पॉइंट से आगे 9 बढ़ा दिया, ऊपर 9 से कितना बढ़ा दिया 12, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 12 बढ़ा दिया और इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरह ये पोर्शन तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो पोर्शन देख रहा है कर्व, ये कर्व, इस ये जो कर्व दिख रहा है इसको देखें आप ध्यान से, ये कर्व तैयार करना है जिसका रेडियस दिया कितना 30। यहाँ देखो दिख रहा है 30 रेडियस दिया, 30 रेडियस दिया है मतलब हमें कहाँ से मिलाना, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना। तो इसका जो रूल्स होता है, हमें जिस पॉइंट से जिस पॉइंट को मिलाना है वो दो को सेंटर मार के आर्क बना दी थी, मतलब हमें 30 जो 30 दिया है रेडियस, ये एमएम में सारी डायमेंशन है, तो 3 सेंटीमीटर का क्या करेंगे अपन रेडियस ले लेंगे, मतलब ठीक है यहाँ पर 30 mm का क्या करेंगे रेडियस लिया, इस पॉइंट पर रख के ऐसा एक आर्क जो दिख रहा है लाइट, थोड़ा थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, ऐसा एक आर्क लगा दिया इस पॉइंट पर रख के, फिर हमें क्योंकि इस पॉइंट से मिलाना है, इस पॉइंट से मिलाना है तो इसी पॉइंट को सेंटर मान के, ये जो हमने इधर रख के यहाँ पर आर्क काटा था, फिर इस पॉइंट पर रख के सेंटर मान के इस जो लाइन कट, ये यहाँ से आर्क ड्रा उसको ऐसा कट कर देंगे, यहाँ पर यहाँ रख के इसको कट करेंगे, यहाँ रख के स्टार्टिंग से ड्रॉ करेंगे, तो ये जो सेंटर दिख रहा है आपको एक सेंटर मिल जाएगा। फिर सेंटर पे हम 30 का रेडियस लेके 30 का रेडियस लेके यहाँ रख के ऐसा इसको यहाँ पर मिला देंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने 30 का रेडियस लिया, ये सेंटर माना, सेंटर कैसे माना था, 30 का रेडियस लेके इस पॉइंट पर रख के यहाँ ऐसा आर्क लगा दिया, फिर इस पॉइंट पर रख के इसको काट दिया, तो एक सेंटर मिला। इसी सेंटर को सेंटर पर रख के मैंने 30 का रेडियस लेके ऐसा एक पूरा यहाँ पर टच करके इस पॉइंट से टच करा दिया, तो एक ऐसा आर्क बन गया जो कि यहाँ पर बना हुआ है, ऐसा दिख रहा है ये वाला 30 रेडियस है इसका। अब जैसा कि मैंने बताया था इस पोर्शन से नीचे की ओर जो जो इस तरह इंक्लाइंड जी वाली पट्टी है जो दिख रही है वो इधर तो 28 थी जो को हम ऑलरेडी खींच चुकी, जब लेकिन यहाँ इस पॉइंट से नीचे यहाँ कितनी है 12 है, यहाँ दिख रही 12 है, तो मैंने क्या किया इस पॉइंट से मतलब 12 नीचे लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है इसको यहाँ से मिला देंगे जिससे कि ये पट्टी क्लियर यहाँ से दिखेगी फ्रंट व्यू से। जैसा कि आपको दिख रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, तो ये जो हमारा फ्रंट व्यू से यहाँ से इस तरह पट्टी दिख रही थी ये क्लियर हमें यहाँ से दिखने लगी, जो कि आगे से 12 है इंक्लाइंड है और यहाँ से 28 है। इस तरह ये फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हुआ, जो कि यहाँ से देखने पर ये जो पट्टी पूरी दिख रही थी ये वाली दिख रही थी, ये हॉल नहीं दिख रहे थे जो कि, तो इसको यहाँ पर हमने डॉट डॉट बना दिया है, और ये वाली पट्टी नीचे की इस तरह की इंक्लाइंड है, तो है ना थोड़ा तिरछी इंक्लाइंड है, तो ये यहाँ से इस तरह की इंक्लाइन दिख रही थी, लेकिन फ्रंट से देखेंगे तो हमारी सीधी लाइन आएगी इस तरह, जबकि यहाँ 28 थी यहाँ पर इसकी 12 नीचे थी इस पॉइंट से, तो वो भी 12 नीचे करके इस तरह हमारा फ्रंट व्यू कम्प्लीट। टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं, तो फ्रंट व्यू देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रंट टॉप व्यू फ्रंट व्यू बना चुके, टॉप व्यू यहाँ से देख रहे हैं हम। अब टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो सिंपल सा बात है, ये जो पूरी लाइन दिखेगी क्लियर, ये जो लाइन है कर्व के रूप में दिखेगी, सीधी लाइन दिखेगी यहाँ पर, ये दो पूरी यहाँ पर ये पूरा पोर्शन दिखेगा ऊपर से, ये पूरी पट्टी यहाँ से दिखेगी, इस तरह की पट्टी यहाँ से दिखेगी, लेकिन दोनों सर्किल जो 56 के डिफरेंस में है वो दोनों डॉट डॉट आएंगे, क्योंकि ऊपर से देखने पर ये हिडन होंगे दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरह अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो चौड़ाई दिख रही है ये 100 की स्टार्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले इसकी चौड़ाई कितनी है 6 और लेंथ कितनी है विड्थ कितनी है 100, तो सबसे पहले एक लाइन डाली है ना, या तो प्रोजेक्शन डाल के भी बना सकते हैं आप, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो यहाँ से 100 इसकी लेंथ ली और 6 जो की चौड़ाई दी है 6 चौड़ाई लेके एक बॉक्स बना दिया, ये वाला बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया। हम सबसे पहले क्या करते हैं जो सर्किल बने हुए हैं हमारे, ये जो सर्किल दिख रहा है ऊपर से देखने पर डॉट डॉट आएंगे, तो अपन क्या करेंगे हिडन पोर्शन है इनको पहले बना देते हैं। तो सबसे पहले ये जो 100 का लाइन है उसका इस लाइन का हम सेंटर लेते हैं, तो 50 पे एक सेंटर लाइन डाल दी, जी टोटल 100 की है तो 50 पे क्या सेंटर आएगा। अब देखते हैं सेंटर लाइन से ये कितनी है 50, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 56 है, तो ये जो सेंटर लाइन यहाँ पर दिख रही है एक जी सेंटर लाइन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 56 है, मतलब सेंटर लाइन से आधा 56 का आधा है इधर, 56 का आधार इधर, मतलब सेंटर लाइन से 28 इधर की एक सेंटर लाइन डाल दी, फिर इस सेंटर लाइन से 28 इधर सेंटर लाइन डाल दी, और दोनों की डिस्टेंस हमने 56 शो करा दी, मतलब सेंटर लाइन से 56 का आधा ऊपर, और जिसका हम डायमीटर समझ रहे हैं कितना है 12 है, तो 12 डायमीटर है, तो क्या करेंगे हम इस सेंटर लाइन से 6 ऊपर 6 नीचे हिडन लाइन है, दो डॉट डॉट लाइन डाल देंगे, तो इस सेंटर लाइन से ऊपर 6 का ऊपर 6 नीचे दो डॉट डॉट लाइन डाल देंगे। यहाँ पर एक चीज यहाँ से भी देख सकते हैं, जो सेंटर लाइन है यहाँ से अपन 22 पे भी डाल सकते हैं, ठीक है इधर से 22 पे डाल सकते हैं, या फिर हमारा बीच का 56 दिया उससे भी आप बना सकते हैं। अब जैसा हम जानते हैं हमें ये कर्व के रूप में ऊपर से नहीं दिखेगा, सीधी लाइन दिखेगी, सीधी लाइन हम जानते हैं यहाँ से जो 36 दूरी दी है इस यहाँ इस लाइन तक की, तो 36 ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन पर बन रही, तो सेंटर लाइन हमारी जो 50 पे डली हुई थी इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी यहाँ पर दिख रही है 6 दिख रही है, 6 चौड़ाई है, तो 3 ऊपर 3 नीचे हमने करके इसकी लेंथ कितनी 36 पे ये दो पट्टी डाल दी, कितनी सेंटर लाइन 3 ऊपर 3 नीचे, इसकी विड्थ कितनी कर दी यहाँ तक की 36।
अब हमें ये वाला पोर्शन बनाना दिख रहा है, इस पॉइंट से 12 इधर है, इस पॉइंट से 12 इधर है, इस पॉइंट से 12 ऊपर खींच दिया, इस पॉइंट से 12 नीचे खींच दिया, इसकी चौड़ाई हम जानते हैं 9 है, 9 दिख रही है, तो ये जो चौड़ाई कितनी ले ली, 9 ले ली, इधर से भी 9 ले ली, फिर और इसको बंद कर दिया है, या फिर डायरेक्ट कितनी खींच दी, 12 दूनी 24, ये 24 खींच दी, देख लो 12, ठीक है 12 है सॉरी, ठीक है ए सॉरी 12 इधर है, 12 इधर है और 6 बीच में, तो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो हमने या तो 30 खींची या फिर आप कर रहे हैं यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर 12 खींच दें, इस पॉइंट से ऊपर 12 खींच दें, इधर 9 खींच दें, इधर 9 खींच दें और इस लाइन को क्लोज कर दें। और ये दो डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के डॉट डॉट, ये यहाँ से, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं और ये दो पॉइंट देख रहे हैं, ये लाइन, ये जो लाइन है ऊपर से देख रहे हैं दिखेगी नहीं, लेकिन थ्रू यहाँ तक मिली हुई है, उस लाइन को आगे दिखाने के लिए हमने ये डॉट डॉट दो लाइनें खींची। अब हम जानते हैं हमें ए वाली पट्टी यहाँ से मिलाना है, इस पॉइंट से इसको मिलाना है, इस पॉइंट को इसको मिलाना है, लेकिन ये कितना अंदर है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है 9 दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है 9, इस पॉइंट से इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी कितनी 9 है, मतलब ऊपर 100 वाली लाइन है ये वाली, इसमें देखे तो यहाँ से इस पॉइंट से नीचे को 9 पे एक पॉइंट लगा दिया, जी को यहाँ 9 छोटा दिख रहा होगा आपको, तो इस पॉइंट से एक कट लगा हुआ है कितनी डिस्टेंस पे 9 पे, इस तरह इस पॉइंट से इधर की ओर एक 9 पे कट लगा देंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस 9 हो जाएगी, यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस 9 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो यहाँ से यहाँ पर 9 पे पॉइंट लगाए थे, यहाँ से यहाँ लगाए थे, इन पॉइंट से इसको ऐसा मिला दें और यहाँ से इसको मिला दें, तो हमारा ये लाइन इस पॉइंट से मिलेगी, ए लाइन इस पे मिलेगी, इस पे यहाँ पर ऊपर से देखने पर, तो इस तरह हमारा ए वाला पोर्शन भी रेडी हो गया। तो इस तरह फ्रेंड हमारा टॉप व्यू हमारा तैयार हो गया, ये फ्रंट व्यू हो गया, ये टॉप व्यू भी हमारा तैयार होगा, बहुत इजी था। अब मैं साइड व्यू बनाऊंगा, अब देखा यहाँ से फ्रंट व्यू देखा, यहाँ से टॉप व्यू देखा, भाई इस साइड से देखने पर हमें क्या देखेगा, साइड व्यू। तो साइड व्यू के लिए सबसे पहले हम जान रहे हैं, साइड व्यू देख रहे हैं तो हमारा एक क्लियर दोनों सर्किल क्लियर देखेंगे, इसकी इस विड्थ देखेगी और नीचे हाइट भी देखेगी, ए वाला पोर्शन पूरा दिखेगा, ठीक है, इधर की भी चौड़ाई दिखेगी कुछ, इधर की भी दिखेगी निकली हुई। तो स्टार्ट करते हैं साइड व्यू की, यहाँ से देख रहे हैं सबसे पहले चौड़ाई देख रही है, चौड़ाई कितनी 100, तो मैंने 100 की लाइन खींच ली एक, ठीक है, और इसकी नीचे हाइट कितनी देख रही है 45, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन हम नीचे साइड बनाएंगे, इसके नीचे साइड, क्योंकि ये तिरछा दिखेगा, ऐसा तिरछा दिखेगा इधर से देखने पर, तो ये कितनी 45, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना खींचा 45 और यहाँ से यहाँ तक कितना खींचा 100। अब हमें एक कर्व ये दिख रहा है, यहाँ पर एक कर्व दिख रहा है इसका, ये आर्क बनाना है, जो कि यहाँ पर, जो कि हमारे यहाँ कॉर्नर थे पहले, कॉर्नर थे उसको आर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ा, इस कॉर्नर से ये दिख रहा है, इस कॉर्नर से हमें जो रेडियस दी 12 की रेडियस दी है, 12 mm की रेडियस दी है, तो इस पॉइंट से इधर की ओर एक 12 का आर्क लगा दो, जो कि यहाँ पॉइंट छोटा दिख रहा है, मतलब यहाँ रख के एक आर्क लगाया, फिर इसी पर रख के एक इधर आर्क लगाया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 12 का आर्क लगाया, फिर यहाँ से नीचे को आर्क लगाया। अब ये दो जो पॉइंट मिले उसी 12 को आर्क लेते हुए इस पॉइंट से ऐसा एक आर्क मार्क कर देंगे, फिर इस पॉइंट से रख के उसको काट कर देंगे, तो ये सेंटर मिल जाएगा, याद रखें सेम सेंटर इधर भी बनाएंगे, कैसे, ये जो कॉर्नर दिख रहा है इस कॉर्नर से इधर एक 12 का आर्क मारेंगे, इसी कॉर्नर से रख के यहाँ पर एक 12 का आर्क मारेंगे, फिर 12 का आर्क लेके जो पॉइंट यहाँ पर मिला था वहां से रख के ऐसा आर्क मारेंगे, फिर यहाँ पर रख के इसको कट कर देंगे, तो ये कैसा सेंटर मिल जाएगा, सेंटर पर फिर 12 की रेडियस लेके, 12 की रेडियस लेके हम इसको ऐसा जो ए पॉइंट, इसको 12 की रेडियस लेके ऐसा इस पॉइंट को इधर से मिला देंगे, एक कर्व बना देंगे, इस तरह यहाँ रख के इसको कर्व बना देंगे, और ये ऊपर का कॉर्नर है इसको साफ कर देंगे, तो हमारे इस तरह के कॉर्नर दिखने लगेंगे। याद रहा है इसको बनाना बहुत आसान होता है, ये जो 12 जो रेडियस थी उस रेडियस को लिए इस कॉर्नर पे हमने परकाल की रखा और पेंसिल वाली नुक से यहाँ से एक आर्क लगा दिया, एक इधर आर्क लगा दिया। अब ये दो जो पॉइंट मिले हुए उस पर रख के हमें एक सेंटर जनरेट करना है, 12 का आर्क लेंगे इस पर रख के ऐसा एक आर्क लगा देंगे, तो दूसरे पर रख के उसको कट कर देंगे, तो ये जो कटेगा वो हो जाएगा सेंटर, और सेंटर पर रख के 12 का अपन को रेडियस देके इसको घुमा देंगे, सेम प्रोसीजर इधर ही अपना लेंगे, ठीक है। अब ये कॉर्नर बन गया, अब हमें दो सर्किल ड्रॉ करना है, ये दो सर्किल सामने देखा, सर्किल की डिस्टेंस देखे तो यहाँ से इस लाइन से नीचे की ओर सेंटर लाइन है सर्किल की वो 18 पे है, जबकि यहाँ से इधर की ओर सेंट्रल लाइन कितनी है 22 पे, तो याद रखें ऊपर से नीचे की ओर कितनी 18 पे है और इधर से इधर की ओर कितनी है 22 पे, जो कि यहाँ दी हुई है। अब देखते हैं यहाँ से इस कॉर्नर से आर्क ना देखें, आप इस कॉर्नर पे देखें, इस कॉर्नर को देखेंगे तो इधर की ओर हमने कितना लिया 22, जो कि यहाँ पर एक पॉइंट दिखेगा, क्योंकि 22 यहाँ पर शो करा दिया, इस पॉइंट से नीचे की ओर कितना है 18, जो कि यहाँ पर शो करा दिया। अब हमने क्या किया, जो 18 पे जो पॉइंट मिला होता उसको इधर की ओर एक्सटेंड किया, जो यहाँ पर 22 का पॉइंट मिला उसको नीचे को एक्सटेंड किया, दोनों लाइन क्या करेंगे एक दूसरे को कट करेंगे, जो कट करेंगे वो हमारे सेंटर मिल जाएगा, सेम प्रोसीजर इधर किया इस कॉर्नर से, यहाँ पर याद रखें इसमें आर्क से नहीं, जो कॉर्नर ऊपर था उस कॉर्नर से इधर की ओर कितना लिया 22 और इस कॉर्नर से नीचे की ओर कितना लिया 18, फिर इस जो पॉइंट मिला उसको एक्सटेंड कराया इधर की ओर, ऊपर वाला पॉइंट नीचे को एक्सटेंड कराया, तो यहाँ पर एक सेंटर मिल गया, फिर सेंटर मिलेगा तो क्या करेंगे
जो हमारा डायमीटर कितना 12 दिया, रेडियस कितनी लेंगे 6 की, 6 की रेडियस लेके जो हमारा ये सेंटर मिला यहाँ पर खींच देंगे, यहाँ 6 की रेडियस लेके एक सेंटर मान के इसको यहाँ खींच देंगे। तो इस तरह देखिए ये जो फ्रेंड हमने दो सर्किल खींची, एक ये एक ये, तो इसका डायमीटर कितना दिया 12, ठीक है ना। तो याद रखेंगे यहाँ पर नहीं, आप इसी कॉर्नर से ही नीचे की ओर 18 लेंगे, इधर की ओर 22 लेंगे और नीचे एक्सटेंड कराएंगे, इसको इधर की ओर एक्सटेंड कराएंगे तो यहाँ पर एक सेंटर मिल जाएगा, वहां पर 6 का रेडियस लेके एक सर्कल यहाँ खींच देंगे। सेम प्रोसीजर इधर अपना के यहाँ से इधर की ओर 22, नीचे की ओर 18, इस इधर एक्सटेंड कराएंगे, इस लाइन को इधर एक्सटेंड कराएंगे तो सेंटर मिलेगा, 6 का रेडियस लेके इसको ड्रॉ कर देंगे। अब हम इस वाली पट्टी को ड्रॉ कर दिया, साइड से देख रहे हैं तो ये पट्टी यहाँ से क्लियर नीचे की ओर दिखेगी। तो यहाँ से इस पॉइंट से नीचे की ओर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी 36, तो जबकि इसकी चौड़ाई सेंटर से कितनी है, इस चौड़ाई 6, इसकी चौड़ाई कितनी यहाँ पर 6 दी हुई है, सेंटर से 3 इधर 3 इधर, इस यहाँ पर एक सेंटर लगाया, सेंटर से 3 इधर 3 इधर और नीचे की ओर कितना खींचा 36, यहाँ पर शो करा दी मैंने, यहाँ पर ये शो दिख रही है। तो नीचे सेंटर से 3 इधर 3 इधर, नीचे 36, यहाँ पर लाइन खींच ली, फिर इधर कितना खींचना और इधर कितना खींचना, ये क्या करने गए हम, यहाँ से देखो ऊपर से साइड से देख रहे हैं, यहाँ से इतनी कितना छोड़ना 9, इधर से भी कितना छोड़ना 9, याद रखें इस पॉइंट से जो 36 डिस्टेंस है वहां से इधर कितना छोड़ा मैंने 9, तो इसके बीच के डिस्टेंस कितना 9, जो कि यहाँ पर शो करा दी मैंने, इधर भी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितना छोड़ेंगे 9, मतलब इस लाइन से इधर 9 छोड़ देना, इस लाइन से इधर 9 छोड़ देना, फिर यहाँ से इसको इधर मिला देना और इसको इधर मिला देना, तो इस तरह ये दो लाइनें हमें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी थी 45, अब ये देखते हैं इसकी चौड़ाई कितनी 6 है, तो यहाँ से नीचे को 6 लेके और इस पॉइंट से नीचे को 6 लेके इसको बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स देखें आप, ये जिसकी चौड़ाई 6 थी और जबकि टोटल कितनी है 12 है ऊपर की ओर, ठीक है, तो आधा 6 है, उसके ऊपर 6 है, याद रखें हमने ये वाले हैं यहाँ से यहाँ तक 6 क्लोज करवाया था, ये पूरी लाइन क्लोज करवाई थी, इधर से 6 के क्लोज करवाया था, अब जबकि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना 12 है, तो हम देख रहे हैं इतना बना चुके 6, तो ऊपर यहाँ से कितना 6, नीचे इधर से कितना 6, जबकि टोटल इसकी चौड़ाई कितनी है 6, बीच का है 12 इधर 12 इधर, मतलब 6 से बीच का है, इस पॉइंट से 12 इधर, इस पॉइंट से 12 इधर और बीच का 6, मतलब टोटल यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा 30, और नीचे यहां से यहां तक कितना नीचे क्यों लाना 6, यहां से इस पॉइंट से नीचे कितना लाना 6, ठीक है, इस तरह हमारा ये जनरेट हो गया। अब जो हम इधर से देख रहे थे तो जो अंदर वाला ये दो ये लाइनें ये जो लाइनें वो कैसी दिखेंगी डॉट डॉट, इसलिए मैंने क्या किया इस पॉइंट से यहाँ पर ऐसा डॉट डॉट कर दिया, इस पॉइंट से इसको डॉट डॉट कर दिया, क्योंकि ये चारों लाइनें दिख रही हैं लेकिन अंदर की अंदर का जो पोर्सन ज्वाइंट है वो दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट कर दिया, इसको भी डॉट डॉट कर दिया। अब हम नीचे का पोर्सन कम्प्लीट करते हैं, ठीक है, नीचे का पोर्सन जानते हैं, यहाँ से नीचे की ओर डिस्टेंस कितनी 28, ठीक है, कितनी है 28, ठीक है, जबकि यहाँ पर जो इसका टोटल कितना गैप बच रहा है 35 था, यहाँ पर जो गैप बच रहा है 3 का, तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो गैप कितना है 33 का, ठीक है, 3 का गैप है, 3 का गैप होने के बाद कितना है 28 है, ठीक है, या फिर जो 45 की लाइन है यहाँ पर, ये 45 की लाइन दिख रही है, ये जो 45 की लाइन खींची वहाँ से कितना नीचे खींचना 28 खींचना, ये तो हमने यहाँ पर दिखाया है इस पॉइंट से और यहाँ तक की डिस्टेंस 12 है, जबकि उनके बीच में कितना 3 का डिफरेंस है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में 3 का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर डायमेंशन दिखाई, पर वहाँ से इस पॉइंट से नीचे की ओर कितना 28 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 28, ठीक है, तो अब यहाँ से देखना इस पॉइंट से नीचे की ओर खींचना कितना है 28 है, तो हमने इस सेंटर से जो ऑलरेडी ऊपर लाइनें खींची हुई थी उसको नीचे एक्सटेंड कर दिया, कितना ये बीच का पोर्शन छोड़ के नीचे से यहाँ से स्टार्ट किया, कितना कर दिया 28 और 6 से चौड़ाई लेके, मतलब सेम ये लाइन है इसी को नीचे इस पॉइंट से नीचे 28 एक्सटेंड कर दिया, इसको बंद कर दिया। अब हमारी ये जो पोर्शन है कितना है 12 है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर 12 पर क्या कर दिया हमने एक लाइन खींच दी जो कि ये वाली लाइन है, जबकि ये नीचे वाली क्योंकि यहाँ से देख रहा है तो ये लाइन भी दिखेगी और नीचे वाला जो इस तरह बना हुआ है इस तरह यहाँ पर वो भी पोर्शन दिखेगा, तो वो वाला पोर्शन ये हो गया यहाँ से 28 तक का और ये जो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया ये वाला यहाँ से यहाँ तक का 12 है, जो कि यहाँ पर हमें डायमेंशन दिखा दी है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का 12 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 28 दिख रहा है। अब हमें इसको इससे मिलाना है, इसको यहाँ से मिलाना है, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मिलाना है, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मिलाना है। तो फ्रेंड्स अब देखा हमने इस पॉइंट को यहाँ से मिला दिया, इस पॉइंट से इसको यहाँ से मिला दिया, ऑल डायमेंशन दे दी। तो फ्रेंड्स हमने पहले फ्रंट व्यू समझाया, टॉप व्यू, साइड व्यू, आपको पसंद आया होगा, अगर आप इससे कुछ सीखे हो या ड्राइंग बनाने का आपको फायदा मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि और आने वाली वीडियो हम आपको भेज सकें और वो नोटिफिकेशन पहुंचे जिससे आप तुरंत देख सकें उसको। थैंक यू फ्रेंड्स।